हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ एंड यू आर लिसनिंग टू मी और माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेट्स गुरु। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें टेट्स गुरु को। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है, वो सोशल कॉग्निटिव अप्रोच इस टॉपिक का नेम है और इसको बनाया था एल्बर्ट बैंडूरा ने। ठीक है, एल्बर्ट बैंडूरा की जो ये सोच थी बड़ी ही डिफरेंट सोच थी, क्योंकि इससे पहले जो बिहेवियरिस्ट हमने पढ़ा, बिहेवियरिज्म हमने पढ़ा बेसिकली, जहाँ पे हम इंसान के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं फोर्सफुली अगर हम उसको सिखाएं। और बेसिकली बिहेवियरिज्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि वहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किए थे वो किए थे एनिमल्स पर, और उन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स को यूज़ किया था ह्यूमंस पर। ठीक है, और उनका कहना था कि इंसान और एनिमल, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल दोनों एक ही तरीके से सीखते हैं। ठीक है, लेकिन एल्बर्ट बैंडूरा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट था, और उन्होंने कहा है कि इंसान जो है इनके पास ब्रेन होता है और इनकी एक समझ होती है जिसके हिसाब से वो अच्छे से समझ पाएंगे, किसी भी चीज़ को लर्न कर पाएंगे। और इनकी जो थ्योरी थी वो है सोशल कॉग्निटिव अप्रोच, मतलब इन्होंने सोशल वर्ड को भी सामने रखा है, क्योंकि इनका मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो सोशल सोसाइटी के बिना अधूरा है। दूसरी चीज़, कॉग्निटिव को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। कॉग्निटिव जो है ये आपको पता ही है, कॉग्निशन से आ रहा है ये वर्ड, और कॉग्निशन का मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है थिंकिंग। तो इन्होंने बेसिकली कॉग्निशन को इग्नोर नहीं किया, जैसे कि हमें देखने को मिला था बिहेवियरिज्म के अंदर, जहाँ पे इंसान के ब्रेन की कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, और एल्बर्ट बैंडूरा की इस थ्योरी के कुछ नाम और भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वर्ड ऑब्जर्वेशनल। अगर आप एल्बर्ट बैंडूरा की इस थ्योरी को समझना चाहते हैं तो ये आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ लें, क्योंकि इनका जो सारा बेस है इस थ्योरी का वो है ऑब्जर्वेशन, फोकस, कंसंट्रेशन। आप कितना फोकस या कितना कंसंट्रेट कर रहे हो दूसरों के ऊपर, ठीक है, और कितना उनसे सीख रहे हो, कितना ऑब्जर्वेशन से आप सीख रहे हो, यही लर्निंग है इन लोगों के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है इसको, और इसको मॉडलिंग, ये वो रैंप पे चलने वाली मॉडलिंग नहीं है। ठीक है, ये जो है मॉडलिंग आपकी बेसिकली इमिटेशन प्रोसेस, यहाँ पे हम इसको कहते हैं इमिटेशन, मतलब दूसरों को देख के उनको इमिटेट करना, नकल करना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना एक आइडल मान लेते हैं, जैसे विराट कोहली आइडल है तो वो अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है बेसिकली कोई बच्चा, तो विराट कोहली उसका आइडल बन जाएगा। ऐसे फॉर एग्जांपल कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता है, तो वो AR रहमान को अपना आइडल मान सकता है। तो बेसिकली दूसरों को इमिटेट करके यहाँ पे सीखने की बात कही गई है। तो इस ये तीनों के तीनों जो नेम हैं वो एक ही थ्योरी के हैं, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच के, जिसको एल्बर्ट बैंडूरा ने बनाया था। और इनकी जो थ्योरी का जो बेस था वो था ऑब्जर्वेशन, इस बात को तो बिल्कुल भी मत भूलना। इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, 5-6 साल का एक लड़का है, और उसके हाथ में एक डोल है। ठीक है, अब वो डोल जो है एग्जैक्ट TV देख रहा है, और TV में भी एक बच्ची बैठी हुई है या कोई बच्चा बैठा हुआ है, और बेसिकली उस TV के अंदर भी उस बच्चे के हाथ में एक डोल है। अब वो TV में वो जो बच्चा है वो डोल को तोड़ देता है, तो बच्चा भी जिसके हाथ में डोल थी वो भी उसको देख के, TV के अंदर देख के कि भाई उसने भी हाथ तोड़ दिया तो मैं भी अपनी डोल का हाथ तोड़ देता हूँ। तो बेसिकली ऐसा उस बच्चे ने क्यों किया? तो अगर बिहेवियरिज्म को फॉलो करें तो बिहेवियरिज्म के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी कि ऐसा उसने क्यों किया। लेकिन एल्बर्ट बैंडूरा का कहना है कि इनकी सारी जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। उस बच्चे ने उसको ऑब्जर्व किया था, उस बच्चे ने उसको फोकस किया था, जिसकी वजह से उसने देखा कि भाई हाँ, उसने डोल का हाथ तोड़ दिया तो मैं भी डोल का हाथ तोड़ दूँ। तो बेसिकली ये सारा होता है नकल करने का तरीका, कि आप जो है दूसरों को देख के सीखते हो। ठीक है, दूसरे क्या कर रहे हैं, बिहेवियरिज्म के अंदर सिखाया किसी इंसान को जाता है तो एक्सपेरिमेंट भी उस इंसान के ऊपर ही होना चाहिए। तो इस तरीके से बिहेवियरिज्म फॉलो होता था। लेकिन एल्बर्ट बैंडूरा कहते हैं कि कई बार अगर हमें सीखना है तो हम दूसरों को देख के भी सीख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल मैं और देता हूँ, शक्तिमान का एग्जांपल है। हम जब छोटे थे तो एक प्रोग्राम आता था शक्तिमान का, तो वो जो हीरो था उसमें बेसिकली जो मेन लीड में था वो गोल गोल घूमते थे, तो बच्चे भी जो है उसको देख के गोल गोल घूमते थे। ठीक है, चाहे बेशक छतों से गिर जाते थे, लेकिन गोल गोल उस टाइम बहुत ज़्यादा पब्लिक उसके
पीछे बहुत ज़्यादा पागल थी, जैसे जैसे शक्तिमान करता था वैसे वैसे ही छोटे छोटे बच्चे भी करते थे, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद WWE, तो WWE जो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट में जो लड़ाई करते हैं फाइटर्स बेसिकली, उसी को देख के आपने देखा वो छोटे छोटे बच्चों को लड़ाई करना सीख जाते हैं, झगड़ा करना सीख जाते हैं। तो बेसिकली ये जो लर्निंग है ये कहाँ से हो रही है? कोई इंसान तो, पेरेंट तो लड़ाई नहीं सिखाते हैं, टीचर्स तो लड़ाई नहीं सिखाते हैं, लेकिन इंसान कहाँ से, जो छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लड़ाई सीख रहे हैं? तो बेसिकली WWE से, वो की मूवी में कोई सीन देखा होगा उन्होंने लड़ाई का, वहाँ से उन्होंने फाइटिंग सीखी होगी, इस वजह से दूसरे बच्चों को साथ जाके वो लड़ते हैं। कुकिंग, जब भी हमें कोई चीज़ सीखनी है तो बेसिकली कुकिंग का ही एग्जाम्पल ले लो, या कुकिंग जैसी कोई और प्रोसेस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सॉरी यूट्यूब से आप कोई वीडियो देख लो, तो जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे आप कुक करते जाओ तो आपका भी खाना बन जाएगा। तो बेसिकली आप वहाँ पे जो लर्निंग हो रही है वो दूसरों को देख के लर्निंग हो रही है, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जो हेयर स्टाइल कर लेते हैं, आजकल एडोलेसेंस में काफ़ी फेमस है, बेसिकली स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं तो अपना अच्छा हेयर स्टाइल बना के जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई चाहे बेशक उनको आए या ना आए, लेकिन उनका हेयर स्टाइल जो है वो बिल्कुल अप टू डेट रहता है, तो दूसरों को देख के ही सॉरी वो कॉपी करते हैं। मूवी देखते हैं तो मूवी में जो जैसे हीरो का हेयर स्टाइल होता है वैसे ही वो हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लर्निंग हो रही है वो दूसरों को देख के हो रही है, और यही अल्बर्ट बंडूरा का थ्योरी का बेस था। उसके बाद वाइक्रियस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वाइक्रियस क्या होती है। वाइक्रियस तीन टाइप की होती है, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट एंड लर्निंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वाइक्रियस पनिशमेंट क्या होता है। तो वाइक्रियस पनिशमेंट होता है, मान लो एक बार आप टीचर हैं और सॉरी आप क्लास में जाते हैं और क्लास आपकी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, ठीक है, शोर कर रही है, तो आपने क्या किया बेसिकली आप उस क्लास के अंदर एंटर हुए सडनली और सॉरी आपने एक बच्चे को खड़ा किया और खड़े करने के साथ ही आपने उस बच्चे को चांटा मार दिया। अब चांटा तो एक बच्चे को लगा लेकिन चुप जो है सारी क्लास हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली बात यह है कि सभी बच्चों ने जो है एक बच्चे को पिटते हुए देख लिया, सॉरी सभी बच्चों ने एक बच्चे को पिटते हुए देख लिया, तो बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्वेशन की और जिससे उनको लर्निंग हो गई। अब वो सारे बच्चे चुप हो जाएंगे, आपने सारी क्लास को नहीं पीटा, सिर्फ एक बच्चे को ही चांटा मारा है। अब उस एक चांटे की वजह से पूरी क्लास चुप हो गई, सभी क्लास का बिहेवियर चेंज हो गया, तो इसे कहते हैं वाइक्रियस पनिशमेंट, जहाँ पे पनिशमेंट तो एक बच्चे को मिलती है लेकिन क्योंकि सभी बच्चों ने इसको पिटते हुए देखा है, इस पनिशमेंट को देखा है, जिस वजह से उनकी लर्निंग हुई है और सारे के सारे एक साथ चुप हो जाते हैं। उसके बाद रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि क्लास के अंदर अगर एक बच्चा अच्छा से परफॉर्म करे, ठीक है, एक बच्चे अच्छे से परफॉर्म करे, आप उसको शाबाशी दो, वेल डन कहो उसको, तो सारी क्लास उसको देखती है और सभी के सभी बच्चे जो हैं उस बच्चे की तरह बनने की कोशिश करते हैं। ये है रीइंफोर्समेंट, वाइक्रियस रीइंफोर्समेंट। और लर्निंग, इसी प्रोसेस के थ्रू जो लर्निंग होती है उसे बोलते हैं वाइक्रियस लर्निंग। तो ये कुछ सॉरी आधार थे अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी के, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच जिसको हम कहते हैं, और ऑब्जर्वेशन करके ही जो बच्चे जो हैं सीखते हैं, सीख पाते हैं, इमिटेशन करके ही सीखते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अल्बर्ट बंडूरा की कुछ एक सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट का कोई वीडियो होगा बेसिकली, और वहाँ पे मैं आपको इसकी थ्योरी की लर्निंग प्रोसेस बताऊँगा कि बेसिकली क्या कारण हैं, क्या स्टेजेस होती हैं बेसिकली इनकी लर्निंग में। तो वेट करिए, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।